أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الهزن اذا شئت سهلا اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد आज हम इनशा अल्लाह के खास ख़ासज़लो करम से जो रियाजीन का पहली जल्द जो है उसका चैप्टर नंबर अलेवन जिसका अनवान है मुजाहे का बयान मुजाह यानी नफ्स को शैतान के वसूसों और दीन के ख़िलाफ़ या दीन से दूर करने की जो जो चीज़ें हैं उनसे उनके ख़िलाफ़ जद्दोजहद और कोशिश करना यह मुजाहदा है यह चैप्टर हमने शुरू किया हुआ है और इस चैप्टर में आज हम इंशाल्लाह हदीस नंबर 109 और उसके बाद दो हदीस यानी एक 10 11 ये तीन हदीस आज देखेंगे जिसके साथ हमारा आज का चैप्टर जो है वो भी मुकम्मल हो जाएगा पिछली मजलिस में हमने जो कुछ हदीस देखी थी उनको अगर मुख्तर अल्फाज में उनका जायज़ा लिया जाए या दिहानी के लिए तो एक हदीस हमने उसमें पढ़ी थी जिसमें जिसमें नबी किम सल्लम ने फ़रमाया कि जहन्नम को शफवानी ख़्वाहत के साथ ढाँप दिया गया और जन्नत को ग्रां गुज़रने वाले कामों से डांप दिया गया जहन्नम की तरफ बहुत सारी आसानियाँ बहुत सारी शहवानी नफसाती, नफसियाती नफसानी ख्वाहिशा जिसकी तबीयत जो है एक आम इंसान की वो मायल करती है और जिसकी तरफ वो रागब होता है बड़ी आसानी से वो जहन्नम के जहन्नम के रास्ते की तरफ ले जाती हैं लेकिन जिसमें थोड़ा सा सब्र थोड़ा सा मसलसल जद और कोशिश और अपने नफ्स को गुनाह के कामों से रोक के रखना गुनाह की लज्जत से रोक के रखना इस तरह के थोड़े से आजमाइश वाले काम जो करते हैं वही जन्नत के रास्ते पर चल रहे होते हैं और जन्नत को थोड़ा मुश्किल से या थोड़ा सा सब्र और बर्दाश्त और थोड़ा सा तकलीफें और आजमाइशें झील कर ही हासिल किया जा सकता है उसके अलावा कुछ एक दो अहादि हमने पढ़ी थी जिसमें नफल इबादात बहुत ज्यादा तवील इबादत थी नबी केम सल्म की जात के वक्त में उसमें हमें ये यह सबक मिलता था कि फर्ज इबादत के अलावा नफल नफल इबादत को भी अपनी जिंदगी में शामिल करना उनको भी पूरी तोजो के साथ बल्कि और भी ज़्यादा खुशी व खुश के साथ अपने फारग फारोत में और रात के अवात में जब सारी दुनिया सो रही होती है तो उस वक़्त अल्लाह के हजूर खड़े होना और लम्बे लम्बे क्याम और लम्बे लम्बे रुकू और सजदे और और मतलब अल्लाह के कुर्ब हासिल करने के लिए और उसकी रहमत और उसका फ़ल जो है वो तलाश करने के लिए रात की इबादत और नफल इबादात की अहमियत बहुत ज़्यादा है और जैसे जैसे इंसान ऐसी इबादात की तरफ मायल होता है वैसे वैसे वो गुनाहों से और दुनिया की जो झंझटें हैं उनसे वो दूर हो भी होता जाता है लेकिन नफल इबादात हैं फर्ज के बाद फ़र्ज नमाज या फर्ज जो इबादत हैं उनकी अदायगी किए बग़ैर नफल इबादात जो है उनका कुछ फ़ायदा हासिल नहीं है उसके अलावा हमने एक हदीस पढ़ी थी जिसमें नबी ने फरमाया कि मैत के साथ तीन चीजें जाती हैं उसके पीछे यानी उसके पीछे कबर तक तीन चीजें जाती हैं एक उसके घर वाले दूसरा उसका माल और तीसरा उसका जो अमल जो उसने अपनी जिंदगी में किया हुआ थे उसकी रोजी जो कमाई उसने उसमें से दो चीजें जो है वो वापस लौट आती हैं उसके घर वाले उसके रिश्तेदार अजीज़ अजीजोक और उसका माल जो है उसके गुलाम नौकर चाकर या उसका जितना तरक़ा है वो बाकी पीछे रह जाता है और उसके साथ आगे सफर में जो बाकी रहता है वो उसका अमल जो उसने सारी जिंदगी कमाया वही उसको कब्र से उसका फायदा जो है ना उसको मिलना या उसको ज़ाहिर होना शुरू हो जाता है इसके अलावा जन्नत के बारे में एक हदीस थी आवाज नहीं आ रही मेरी आवाज सबको नहीं आ रही या किसी एक का ही प्रॉब्लम है जी अस्सलाम वालेकुम जी रुक गई थी आवाज रुक गई थी बस अच्छा। सबको आप ठीक है इंशाल्लाह अच्छा अच्छा चलो ठीक है ठीक है ओके जी उसके अलावा एक हदीस जो हमने देखी जिसमें नबी वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत तुम्हारे तो जूते के तस्मे से भी ज्यादा करीब है यानी जन्नत और जन्नत और इंसान की जिंदगी के दरमियान सिर्फ एक मौत का हफीफ जब पर्दा जो है वो हायल है जैसे ही वो पर्दा हटा तो उसका अंजाम जो है वो उसका सामने उसका नजर आना शुरू हो गया चाहे वो जन्नत है चाहे खुदाना खास्ता खुदाना खास्ता कोई जहन्नम या कोई अजाब वाला मामला है तो जिंदगी में जितने अमाल कर सकते हैं मौत जो है उसका वक्त उसकी जगह उसका उसका कुछ भी लम्हा जो है वो किसी को नहीं बताया गया लेकिन हर चीज़ अल्लाह ताला ने तकर कर रखी और कभी कभी तो इतनी अचानक मौत आती है कि हम हैरान रहते हैं अल्लाह ताला की इस तकसीम पर और इंसान को सबक हासिल करने के लिए बहुत ही बहुत ही बहुत सारी निशानियां मिल जाती हैं कि कैसे अचानक कुछ लोगों के साथ ऐसे वाकयात हो जाते हैं या किसी हादसे के बगैर भी तौर पर भी कुछ मामला ऐसे हो जाते हैं अचानक बहरहाल एक बिल्कुल हफीफ सा पर्दा हायल है जो जिस पर्दे के अबूर होते ही जिस पर्दे के दूसरी ओट में जाते ही उसको इंसान को अपना अंजाम जो है वो उसके सामने नजर आना शुरू हो जाता है अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और हमारा खात्मा जो है वो बिल ईमान अल्लाह ताला नसीब फरमाए हमें <laughs> इसके अलावा एक दो हदीस हमने ऐसी पढ़ी थी जिसमें कसरत सुजूद सजदों की कसरत करने की बहुत ज़्यादा अहमियत जो है उसका अंदाज़ा होता था कि जितनी ज्यादा मतलब इसमें एक एक हदीस हदीस सौ सात है उसमें हजरत अब्दुलरम सोबान रसोलम के आज़ाद करदा गुलाम उनसे रवायत है कि नबी किम ने फरमाते थे सोबान तुम कसरत को लाज़म पकड़ लो इसलिए कि तुम जो जो भी सजदा करोगे अल्लाह उसके जरिए से तुम्हारा एक दर्जा बुलंद करेगा और तुम्हारा एक गुना जो है उसको माफ कर देगा इसी तरह एक और हदीस में नबी करीम के के एक जो तलब इम थे में से उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की नबी करमल्म ने उनसे कहा कि तुम मुझे कुछ मांगना चाहते हो तो मांग दो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने उसने सवाल किया उन्होंने सवाल किया कि मैं जन्नत में आपकी रफाकत चाहता हूं जन्नत में आपकी कुरबत चाहता हूं तो आप वसल्लम ने ऐसा कहा कि तुम कसरत से मेरी मदद करो यानी जितने ज्यादा तुम सजदे करोगे उस तरह से तुम मेरी मदद करोगे कि क्या जन्नत में तुम मेरी रफाकत या मेरी वो कर सको तो ये मुख्तसर था जिक्र था पिछली जो अहदिस हमने पढ़ी थी इसमें कुछ अहादीस जो है वो बहुत अहम थी पिछली मजलिस में हम ज्यादा तफसी से भी नहीं देख सके थे बहरहाल आज जो तीन अहादीस हैं वो आ, टेक्स्ट के हिसाब से नस्बता थोड़ी सी लेंथी है लेकिन उनका जो पैगाम है उसमें वो बहुत वाजह है उसको हम आज शुरू करते हैं आज हदीस नंबर एक सौ नौ जो है हज़रत अनस रजील्ला तला से रवायत है कि मेरे चचा यानी हज़रत अनस रजील्लाह के चचा अनस बिन नजर जंग बदर में गैर हाजिर रहे जंग बदर जो मुसलमानों का एक पहला मार्का था सबसे पहली जंग जो मुसलमानों ने लड़ी जिसका उन्हें जंग बदर से वो गैर हाजिर रहे थे जिसका उन्हें शदीद खलब था शदीद उनको अफसोस था उन्होंने एक बरता रसूल रसूल सल वसलम से कहा कि अल्लाह के रसूल पहली जंग जो आपने मशरूक से लड़ी मैं उसमें गैर हाजिर रहा अलबत् आइंदा अगर अल्लाह ने मुशरकिन से लड़ाई का मौका मुझे अता फरमाया और उसमें हाजिरी की शादत हासिल हो गई तो मैं कुछ जो कुछ करूँगा अल्लाह उसे देखेगा या दिखाएगा बस जब ओहद वाला दिन आया ओहद जंगे ओहद वाला दिन आया हुआ तो मुसलमानों ने इब्त में ही अपने मोर्चे छोड़ दिए और शिकस्त खा गए तो उन्होंने कहा अल्लाह इन पीछे हटने वाले मुसलमान साथियों ने जो कुछ किया उससे मैं तेरी बारगाह में माजरत और इन मुशरकिन ने जो कुछ किया उससे इजहात इजहार बरात करता हूँ यह कह कहकर फिर आप आगे बढ़े बस उनका सामना साद बिन माज से हुआ तो उनसे कहा ए साद ए साद बिन माज जन्नत रब्बे रब की कसम मैं उसकी खुशबू पहाड़ से भी ज्यादा करीब महसूस कर रहा हूँ ये कहा और दुश्मनों के में घुस गए शहादत से हमकिनार हुए हजरत साहब ने फरमाया ने कहा ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने जो कुछ जो किया उन्होंने जो किया वो मुझसे नहीं हो सका हजरत अनस ने बयान करते हैं कि हमने इनके जिस्म पर अस्सी से ज्यादा तलवारों की चोटें, नेजे के निशान और या तीरों के जख्म पाए और हमने उन्हें देखा कि वो कत्ल किए हुए पड़े हैं वो कत्ल हुए पड़े हैं और मुश्रकों ने उनका मसला कर दिया है यानी गाज़ो गज़ब में उनके एजा अलग अलग काट दिए हैं और उनका चेहरा बिगाड़ दिया था बस उनकी हालत की वजह से उन्हें किसी ने नहीं पहचाना है। सिर्फ उनकी बहन ने उन्हें उंगलियों की उनकी उंगलियों के पोरों से पहचाना हजरत अनस ने कहा हम देखते हैं या गुमान करते थे कि आयत उनके लिए और उनके जैसे दीगर हजरात के बारे में ही नाजिल हुई है मोमिनो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने वो वादा वो अहद सच कर दिखाया जो उन्होंने अल्लाह से किया था वो अहद जो अल्लाह से किया था वो सच कर दिखाया और ये सूरा अहज़ाब की आयत नंबर तेईस है जो जिसके जिसके बैकग्राउंड में ये हदीस जो है वो जिक्र की जाती है तो ये हदीस में हमें ये एक मैसेज जो मिला कि नेकी के काम या जिहाद के काम में जितनी ज्यादा ठोस नीयत के साथ जितने ज्यादा पक्के इरादे के साथ आगे बढ़े अल्लाह ताला यकीनन उससे भी ज्यादा उसकी मदद करता है इसमें हज़रत हज़रत अनस बिन नजर उनके बारे में जो तदकरा हुआ कि वो इस बहादुरी से लड़े इस जानफिशानी से लड़े कि उनको मालूम कितने जख्म आए कितनी तकलीफ हुई कितनी तकलीफ ज़ाहरी तौर पर उनको मिली लेकिन वो अपने मकसद पर डटे रहे हती कि उनको शहीद कर दिया गया और शहीद करने के बाद उनकी उनकी मैयत जो है उसकी उनकी मुश्रकों ने ऐसी बेहरमती की कि उनको पहचानना मुश्किल था उनकी बहन ने उनको उनस, मतलब उंगलियों के पोरों से पहचाना इसके फायद में यहाँ पर लिखा गया कि इसमें सहाबा के बेमिसाल शो के के शहादत और उन्हें उनके के जन्नत का बयान है कि किस कदर उनको इस चीज़ का इश्तिया था कि वो जन्नत में जाए जन्नत उनको नसीब हो और उसको पाने के लिए वो कची कुछ भी कर गुजरने से गुरेज नहीं करते थे अलावा जी, इसमें अपने अपने तौर पर खैर के कामों को का अपने आप को पाबंद करने और फिर पूरा करने का इस्तेब भी है यानी खैर के कामों के लिए खुद को अपने आप को वक्फ वक्फ करना पाबंद करना और भरपूर तरीके से इसे पूरा करना ये उसमें हमें सबक मिलता है ये हदीस जो है ज़ाहरी अल्फाज के हिसाब से इसमें कुछ भी ऐसी बात नहीं जिसकी ज़्यादा तफसल दी जा सके बहुत ही वाजाज में ये सिर्फ जज्बा है जज्बा जो अल्लाह ताला से कुर्ब हासिल करने का जन्नत हासिल करने का और यह जज्बा तभी एक ठोस या मजबूत शक्ल अख्तियार करता है जब अकीदा ईमान जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत हो हर चीज का यकीन हो सिर्फ कौली कौली इकरार नहीं बल्कि हर चीज के ऊपर मतलब यकीन अमल हो कि हर हाल में ये वक्त जो है आने वाला है और अगर ये काम मैं करूँगा तो उसका अंजाम जो है वो ये मिलेगा तो यकीनन उस हिसाब से फिर उसके अमल में ज्यादा बरकत भी आ जाती है और ज्यादा ठोस तरीके से वो अमल जो है वो अंजाम भी पाता है अगली हदीस जो है वो कुछ अहम है उसमें मजीद अहम कुछ इंफॉर्मेशन हमें मिलेंगी हदायत मिलेंगी हदीस नंबर एक सौ दस हजरत अबू मसूद अकबा बिन उम्रंसारी रजी उनसे रवायत है कि जब सदक़े की आयत नाजल हुई सदके की आयत यानी सदका करने के बाबत कुछ आयात जो कुराने मजीद में सदक़े की आयत जब नाजल हुई तो हमारी गुर्बत का ये हाल था कि हम अपनी पीठों पर बोझ उठाए यानी मेहनत मजदूरी करते थे पीठों पर बोझ उठाते थे यानी मेहनत मजदूरी करते थे बस एक आदमी आया और सारी चीज का सदका किया एक आदमी आया और बहुत सारी चीज का सदका किया तो मुनाफिक ने कहा कि ये रियाकार है और एक और शख्स आया उसने एक सा यानी चार मुद्द यानी तकरीबन ढाई किलो सदका किया किसी चीज का ढाई किलो को खाने की चीज होगी उसका सदका किया तो उन्होंने कहा अल्लाह ताला इस सा से बेनियाज है यानी इतने से सदके की अल्लाह ताला के यहाँ क्या अहमियत हो सकती है एक सहाबी आए उन्होंने बहुत ज्यादा माल बहुत ज्यादा सदका किया तो मुनाफिकिन ने उनके बारे में भी कहा कि ये शख्स सूर्यकारी तो करता है और दूसरे ने अपनी हिम्मत के मुताबिक थोड़ा सा सदका किया तो उन्होंने कहा कि इस थोड़े से सदके की अल्लाह ताला के इस थोड़े से सदके की क्या अहमियत हो सकती है अल्लाह के, अल्ला के हां چنانچہ یہ ایت نازل ہوئی اور یہ ایت سورہ توبہ کی आयत नंबर सेवेंटी नाइन जो है यहाँ पर जिक्र हुई कि वो लोग जो खुशी से सदका करने वाले ममनु पर ऐब लगाते हैं और उन लोगों पर भी ताना जनी करते हैं जो अपनी ताकत के मुताबिक पाते हैं ये हदीस ये आयत जो है इसका आगे का हिस्सा जो है वो यहाँ पर नहीं कोट किया गया जिसमें है कि ऐसे ये वो लोग जो खुशी से सदका करने वाले ममनू पर ऐब लगाते हैं और उन लोगों पर भी ताना जनी करते हैं जो अपनी ताकत के मुताबिक बातें हैं तो ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक आजाब है यह का अगला हिस्सा जो है वो है कि ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अजाब है इसमें हमें एक तो यह सबक मिलता है कि सदका अपनी हिम्मत के मुताबिक चाहे वो मकदार में कम हो या चाहे ज्यादा हो लेकिन उसके पीछे नीयत जो है वो बड़ी ठोस और बड़ी मजबूत होगी तो यकीन वो सदका जो है वो कबूल होगा और उस सदक़े की आ, का जो अजर है वो भी कितना होगा ये तो सिर्फ अल्लाह ताला ही जानते हैं इस बारे में भी बहुत सारी हमने तफसी पहले पढ़ी हैं ख़ास कर कुरान मजीद के जो सेशन चलते हैं उसमें हमने कि किस तरह से बहुत थोड़ा सा सदका जो है वो इतना ज्यादा अजर का बायस भी बन सकता है अगर एक इंसान के पास खाने के लिए एक ही रोटी है उसमें से भी आधी वो सदका कर दे तो उसके लिए तो आधी रोटी से भूख मुकाना भी मुश्किल हो जाएगा लेकिन किसी के पास अगर कई रोटियां हैं और उनमें से वो एक आधी या दो या तीन भी सदका कर दे तो उसके अपने जो माल है उसके पास उसमें तो इतनी ज्यादा कमी नहीं आएगी उसके अपनी जात पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा तो यकीन उसको अजर मिलेगा और अजर भी उसका अल्लाह तला के यहाँ है लेकिन जो पहले शख्स ने जो सदका किया उसका अजर यकीन बहुत ज्यादा है क्योंकि उसने तो अपने थोड़े से थोड़ी सी थोड़ी सी माल या थोड़े से रिस्क में से परसेंटेज या तनासब के हिसाब से बहुत ज्यादा सदका कर दिया तो इस बारे में भी बहुत सारी अदीस हमने कोट की हैं पड़ी हैं सदका चाहे कम हो या ज्यादा हो जितना भी हो अपने इस्तात के मुताबिक करना चाहिए और उसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इसमें कुछ फायदा होगा किसी का या किसी का आ, या अल्लाह ताला के यहाँ इसकी क्या अहमियत है अल्लाह ताला के यहाँ यकीनन बहुत ज्यादा अहमियत होती है और जो अहमियत जो है उसका अंदाजा उसकी नीयत से होता है कि अल्लाह तला के सा मतलब लिए ये करने की जो नीयत है वो कितनी ठोस है उसमें कितनी गहराई है इसके अलावा इस हदीस से हमें दूसरी एक बात मिलती है जो हमने कल आ, आ, कल जो आयात पढ़ी थी या उससे पहले कुछ दिनों से जो एक टॉपिक चल रहा था कि मुनाफिकीन के बारे में कि किस तरह से वो मुनाफिक जो है वो मजाक करते थे या मुख्तल तरह के मतलब बातें जो वो करते थे मुसलमानों के खिलाफ या उनको उनको बहकाने के लिए या उनको, उनके जज्बे या हौसले को पस्त करने के लिए तो उनमें से भी एक एक तरफ ये इशारा है बल्कि कल जो हमने आ, कल या यािबा परसों जो आयात पड़ी थी उसमें था कि जो मजाक उड़ाते हैं इस्लाम के शायर का या अजान का अजान जब सुनते हैं तो मजाक उड़ा उड़ाते हैं या इस्लाम के दूसरे जो बातें यह इस्लाम के अहकाम हैं उन पर जो अमल करते हैं तो उनका वो मजाक उड़ाते हैं मुनाफीन जो है तो इसे हमें इस एक एक एग्जाम्पल यानी कह लें कि हमारे सामने ये आ गई इस हदीस के जरिए कि जो लोग आ, मतलब अपनी के मुताबिक ज़्यादा सदका करते थे ज़्यादा मकदार में या ज्यादा अमाउंट में उनको वो रिहा कह देते थे और जो अपनी हिम्मत ताकत के मुताबिक जो कम सदका करते थे उनको वो कहते थे कि अल्लाह ताला के हाँ इसकी क्या अहमियत है और कल तो हमने यहाँ तक पढ़ा कि अल्लाह वो इतने गिर चुके थे तो वो तो कहते थे कि अल्लाह ताला का हाथ तंग हो गया है तो हमें इस हदीस से अपनी जो कुरान के जो हम सबक पढ़ रहे हैं रोज़ के उसमें भी हमें एक सपोर्ट मिली कि किस तरह से मुनाफिक जो है वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ उनके जज्बे को पस्त करने के लिए या उनके उनके जो जो जोश और बलबला है उसके उसके खिलाफ वो किस तरह से अपने अमाल जो है वो करते थे अपनी मतलब बातें करते थे वो इसके फ़वाद में यहाँ पर लिखा गया कि इसे मालूम हुआ कि हर इंसान अपनी ताकत के मुताबिक सदका कर सकता है ज्यादा से ज्यादा भी और थोड़े से थोड़ा भी ज्यादा सदका करने वालों को रियाकार बतलाकर और थोड़ा सदका करने वालों को तनखीस करके उन्हें सदक़े से रोकने की कोशिश करना मुनाफी का शेवा है अहल इनमान को मुनाफीन की इन बातों को नजरअंदाज और आपस में एक दूसरे के बारे में ऐसी बातों से इजतनाब करना चाहिए इस बारे में एक बहुत दफा ये भी जिक्र हो चुका कि मतलब हमारी जो अक्याँ हैं अकाइयाँ यूनिट ऑफ मैय जिसे हम कहते हैं कमर्शल गुण जो बिजनेस लैंग्वेज में इसमें यूनिट ऑफ मैय कहते हैं या आम आम जबान में जो अकाइयाँ हैं जिससे हम अपना नाप तोल करते हैं वो हमारी जो नाप तोल की अकाइयाँ जो हैं वो बहुत बड़ी बड़ी हैं बहुत बड़ी बड़ी से मुराद हम जब वजन करते हैं तो किलो में या ग्राम में या ज्यादा से ज्यादा मिलीग्राम में कर लेंगे अगर सोने का कोई है या साइंटिस्ट वगैरह जो है वो माइक्रोग्राम ने करे जाते हैं या उससे भी ज्यादा छोटी इकाई हो जाती है उनकी जब हम सफर करते हैं कि किलोमीटर में या फीट्स में करते हैं या माइल्स में करते हैं ठीक है तो वो किलोमीटर को भी अगर छोटा करें तो मीटर कर दिया सेंटीमीटर कर दिया मिलीमीटर कर दिया या उससे कुछ छोटी इकाइयाँ हो गई इसी तरह से वक्त को हम नापते हैं तो मतलब घंटों की और रफ्तार से और मिनट के हिसाब से या इस तरह के बहुत सारे लेकिन अल्लाह के यहाँ जो अकााई है जिससे वो तोलेगा आप के दिन आमाल को वो अकाई है जर्रा जर्रा एक जर्रा जो है वो एक छोटी सी छोटी चीज जो टेक्निकल डेफिनेशन है तो छोटी सी छोटी चीज जिसको मजीद तकसीम ना किया जा सके या जिससे जिसको मजीद बांटा ना जा सके जिसको मजीद और ज्यादा कम ना किया जा सकते यानी कम से कम मकदार किसी भी चीज की चाहे वो वक्त है चाहे वो वजन है चाहे वो फासला है या चाहे कोई भी चीज़ है जिसको मजीद कम ना किया जा सके टेक्निकली ज़रा की ये डेफिनेशन है जिसको एटम भी कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में लेकिन एटम को भी अब उन्होंने तकसीम कर दिया है तो अरबिक जो टर्म है ज़रा, उससे उसका मतलब अभी तक कायम है तो अल्लाह ताला के यहाँ जर्रा बराबर भी अगर किसी ने नेकी की है या जर्रा बराबर भी ऐसी अगर किसी ने गुमा गुना कमाया है तो वो पा लेगा अल्लाह के यहाँ पा लेगा और उसका भी उसको अजर मिलेगा या उसकी भी उसको सजा मिलेगी उसका भी उसको हिसाब देना पड़ेगा तो जो छोटे से छोटा अमल है अगर वो हफीफ समझ कर नेक अमल को छोड़ दिया जाए तो वो भी एक, एक गुमराहि है और अगर उसको छोटे से छोटा गुनाह को भी तो कर लिया जाए ये समझ कर के ये बिल्कुल ही हल्का सा तो ये भी इंतहाई बड़ा जुल्म है अपने साथ बहर सदके के बारे में यहाँ पर सदका कम हो या ज्यादा हो अल्लाह के यहाँ वो मकबूल होता है उसकी नियत के हिसाब से इसके अगली हदीस हम देखते हैं जब हदीस नंबर 111 ये भी मौजू के एतबार से एक अहम हदीस है सईद बिन अब्दुल अजीज रबी बिन यजीद से वो अबू इदरीस खोलानी से वो हजरत अबू जर जन जिंदब हजरत अबू जर जिंदुब बिन जिनादा बिन जुनादा से रवायत है ये नाम अक्सर अरबी में हम अगर पढ़ें तो ज्यादा हम आसानी से पढ़ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हरकत नहीं होती तो अरबी में अगर देखें देखे या जैसे ये जुंदुब जु, है सो जुंदुब बिन जुनादा तो अरबिक में जब पढ़ेंगे तो सही इसका हमें पता भी चल जाता है कि नाम क्या है साहिब इम जो अफराद हैं माशाल्लाह उनके पास तो अल्लाह ताला ने इल्म जो दिया रहता है उनके लिए तो इतनी मुश्किल नहीं होती बहरह इनसे रवायत है ये रिवायत ये रिवायत है कि नबी की अल्लाह व तआला से तवायत करते हैं यानी ये, ये हदीस कुछ सी है कि अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ मेरे बंदो मैंने अपने नफ्स पर जुल्म को हराम करा दिया और मैं इसे तुम्हारे दरम्यान भी हराम किया मैंने इसे तुम्हारे दरम्यान भी हराम किया मैं अपने नफ्स पर भी जुल्म को हराम करार दे दिया और मैंने इसे तुम्हारे दरमियान भी हराम किया बस तुम एक दूसरे पर जुल्म मत करो ऐ मेरे बंदो तुम सब भूखे हो सोआ उनके जिनको मैं खाना अता कर दूं बस तुम मुझसे ही खाना मांगो मैं तुम्हें खिलाऊंगा ऐ मेरे बंदो तुम सब बरहना हो सवाए उनके जिनको मैं पोशाक पहन पहना दो बस तुम मुझसे ही पोशाक या लिबास मांगो मैं तुम्हें लिबास पहनाऊंगा ऐ मेरे बंदो तुम रात दिन गुनाह करते हो और मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ करता हूं बस तुम मुझसे ही मगफरत या बख्शिश तलब करो मैं तुम्हें बख्श दूंगा ऐ मेरे बंदो तुम मेरे नुकसान को नहीं पहुंच सकते कि तुम मुझे नुकसान पहुंचा सको और तुम मेरे नफा को नहीं पहुंच सकते कि तुम मुझे कुछ नफा पहुंचा सको यानी तुम मुझे नुकसान या नफा पहुंचाने पर कादर नहीं है बंदो अगर तुम्हारे अव्वल और अव्वल और आखिर अव्वल और आखल तुम्हारे इंसान और जिन्नात अवल और आखिर से मुराद तुम्हारे पिछले गुजरे हुए जितने हैं इंसान वो और जो आगे आने वाले हैं वो अव्वल और आखिर तुम्हारे सारे इंसान और जिन जिन्नात सब उस शख्स की तरह हो जाए सब उस शख्स की तरह हो जाए जिसके दिल में जिसके दिल में तुमसे, तुम में सबसे ज्यादा तुम में से सबसे ज्यादा अल्लाह का डर है यानी एक ऐसा शख्स जिसमें तुम में से सबसे ज्यादा अल्लाह का डर है सारी इंसानियत जो है इंसानियत और जिन्नात की सारी रूहें जो है वो सब ऐसी हो जाए तो ये बात मेरी बादशाही में कोई इजाफा नहीं कर सकती है मेरे बंदो अगर तुम्हारे अव्वल और आखिर तुम्हारे इंसान और जिन्नात इस शख्स की तरह हो जाए जो तुम में से सबसे ज्यादा फाजर और फासिक है तो ये चीजें मेरी बादशाही में कोई कमी नहीं कर सकती ए मेरे बंदो अगर तुम अगर तुम्हारे पहले और पिछले इन जिन सब एक खुले मैदान में जमा होकर मुझसे सवाल करें और मैं हर एक को उसके सवाल के मुताबिक अता कर दू तो उससे मेरे खजानों में इतनी ही कमी होगी जितनी कमी सुई को समुन्द्र में डालकर निकालने से समुन्दर के पानी में होती है ऐ मेरे बंदो यकीनन तुम्हारे आमाल हैं, जिनको मैं तुम्हारे लिए गिन कर रखता हूँ फिर तुम्हें उनका पूरा बदला देता हूं बस जो भलाई करेगा जब बस जो भलाई पाए बस बस जो भलाई पाए वो अल्लाह की हमद करे अल्लाह का शुक्र अदा करे उसका जिक्र करे और जो उसके अलावा पाए यानी कोई आजमाइश अगर उसको आ जाए तो बस वो उसे अपने ही नफ्स को मलामत करे आप ये समझे कि वो उसके अपने ही किसी बुरे अमल का नतीजा है सात बिन अब्दुल अजीज कहते हैं कि अबू इदरीज़ खौलानी जब भी ये हदीस बयान करते तो उन तो अपने घुटनों के बल गिर पड़ते इसको मुस्लिम ने और अमाम अहमद ने रिवायत किया है ये एक लंबी हदीस है जिसमें अल्लाह ताला की बड़ाई अल्लाह ताला की बुजुर्गी का हमें एक अंदाज़ा होता है कि हम इंसान जो है वो क्या है हमारी हैसियत क्या है और हमारे अमाल और किरदार कैसे हैं अल्लाह ताला, ताला ने इसमें बहुत सारी मिसालें देकर बयान की कि रिजक के, के मुकाबले में तुम जितना भी रिस्क मांगो अल्लाह ताला से अल्लाह ताला वो रिज्क देगा उसके खजानों में कोई कमी नहीं आएगी लेकिन शर्त ये है कि उसी से मांगो उसी से रिज्क तलब करो अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा तुम मुझसे मांगोगे मैं तुम तुम्हें खाना खिलाऊंगा मेरे सिला मेरे सवा तुम्हें कोई खाना नहीं दे सकता तुम तो सब भूखे हो ये बशरी तकाजे नहीं ये जो ये तोहीदी तकाजे जो हैं उनके मुताबिक है अब ये इस तरह की जो अदीस हैं या कुछ आयात को भी मुख्तलिफ एक्सप्लेनेशन देकर मुख्तलिफ तरीके से मतलब एक तरह से गुमराह किया जाता है लोगों को अः मतलब इस तरह के कुछ अकायद हैं जिनको कोट करने के लिए कि देखो मतलब अल्लाह ताला भी तो नहीं खिला सकता बंदे बंदे से भी तो मदद मांगनी है कि मुझे भूख लगी है रोटी खिला दो और वो किसी ने आपके सामने ला के अगर रोटी रख दी तो वो मतलब उससे भी तो फिर मदद नहीं मांगनी चाहिए अगर किसी इंसान से आप मदद मांग सकते हैं तो फिर दूसरों से भी और वलियो से उस तरह के मामला जो है बहरहाल वो अलग से एक टॉपिक है Uh, सिर्फ इशारा ये है कि इस तरह की हदीस को uh, मतलब मुख्तलिफ सेंस में कोट करके असलाह से दूर ले जाते हैं और ज़ाहरी अल्फाज के मतलब जहां उनके ऊपर तकिया करके उसकी कुछ एक्सप्लेनेशन इस अंदाज़ से की जाती है जिससे कि शायद uh, उन लोगों के जतीी वफात जो है वह वाबस्त होते हैं बहराम अल्लाह तल हमें ऐसे जितने भी uh, मामला हैं उनसे दूर रखे और महफूज रखे आमीन ये हदीस जो है मानी के अतबार से बहुत आम सी भी है और उसमें अल्लाह की बड़ाई और उसकी बुजुर्गी और उसकी बुलंदी जो है वो उसका हमें अंदाजा हो जाता है कि किस अल्लाह तला कितना बड़ा है कितना बुजुर्ग है और उसकी बादशाही जो है वो कितनी ज्यादा अहम है और उसमें अः कितनी ज्यादा वसी है और उसमें एक अहम नुकता जो हमारे हमें आखिरी हदीस के आखिरी अल्फाज में मिलता है कि अगर कोई ये समझता है कि मैं अगर अल्लाह की इबादत कराऊंगा तो उससे अल्लाह का दर्जा जो है या अल्लाह अल्लाह की बादशाही में कोई इजाफा हो जाएगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता जितनी मर्जी कोई सारी दुनिया के इंसान और जिन मिलकर सब के सब इतना ज्यादा से ज्यादा जितना तकवा कर सकते हैं वो सारे का सारा अख्तियार कर ले फिर भी वो अल्लाह की बादशाही में कोई इजाफा नहीं कर सकते ये ये बात अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं ये हदीस कुत्सी के मुताबिक कि अगर सारे के सारे इंसान और जिन्नत मिलकर भी इतने ज्यादा तकवा और परहेजगार हो जाए उससे भी मेरी बादशाही में कोई इजाफा नहीं कर सकते इसी तरह अगर अगर कोई फाजर और फासिक हो जाए सारी इंसान और जिन मिलकर अव्वल आखिर तो जितने मर्जी वो गुनाहों में डूब पड़े इससे इससे भी उसकी बादशाही में किसी किस्म की कोई कमी नहीं आ सकती इसके फवायद में हम देखते हैं कि इसमें अल्लाह ताला की कुदरत और ताकत का बयान है इसलिए हर चीज सिर्फ उसी से मांगी जाए हिदायत से लेकर रिज तक हर चीज के खजाने उसी के पास हैं खजाने भी ऐसे बेपाया कि जिनमें कभी कमी नहीं होती इसी तरह इसकी बादशाही और भी इतनी मजबूत है कि तमाम कायनात की मुखालफत या हमायत इस पर असरअंदाज नहीं होती इसलिए इंसान की भलाई इसी में है कि वो अल्लाह का हो कर रहे और उसी से दुआ वार और तलब हाजा करे सिर्फ और सिर्फ उसी से ही मांगे उसी से ही दुआ करे उसी से तलब हाजात करे अल्लाह बख्श भी देता है गुनाहों को भी और रिज्क भी अता करता है और उसके खजानों में कोई कमी भी नहीं आती ये हमने कुछ एक आयत की को, में एक हदीस का भी हवाला किया था जिसमें जिसमें है कि अल्लाह ताला के हाथ में खजाना है अल्लाह ताला के दाएं हाथ में खजाना है और जब से ये कायनात बनी है जब से ये कायनात बनी है तब से वो उस खजाने में से या उसमें से खर्च कर रहा है अल्लाह ताला और आज तक उसमें कोई कुछ कमी नहीं आई और ना ही ये कमी कभी आ सकती है तो अल्लाह के रज्क अल्लाह का जो बरकत है अल्लाह की जो ख़जाने हैं वो तो आ, ला महदूद हैं उनमें तो किसी के की कोई कमी का सवाल ही पैदा नहीं होता है और माँ बलागुल मुबीन जी आज की अदीस या आज का जो सबक था उसमें अगर किसी को कोई पॉइंट ऐड करना है तो आप कर सकते हैं अदीस को थोड़ा सा मुख्तर ही हम ज़िक्र करते हैं क्योंकि आम तौर पर बड़ी जू मानी होती है और बड़ी बड़े वाजल अलफाज होते हैं कहीं पर जब ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो हम एक्सप्लेशन पर जाते हैं तो अगर किसी को कोई पॉइंट ऐड करना है या कोई बात मिस होगी जो ज़्यादा अहम थी इस हवाले से तो वह भी आप यहाँ पर इजहार कर सकते हैं इन शह खैरन जी अगर कोई पॉइंट नहीं है तो फिर हम आ, के केाम की तरफ बढ़ेंगे अगला जो चैप्टर आ रहा है आखिरी उम्र में ज्यादा से ज्यादा नकियाँ करने की तरगीब इसको भी हम जब देखेंगे तो ये भी मौजू के एतबार से तो ये अहम ही लग रहा है इनशाला उम्मीद है कि अल्लाह तला हमें हदायत और रहनमाई ज़रूर नसीब फरमाएगा इससे मदरस के अख्ताम से पहले एक छोटी सी बात आपसे करना चाहूंगा हमारी बहुत ही मोहतरम सिस्टर हैं इसी ग्रुप में वो लाहौर से उनका ताल्लक है और लाहौर में ही होती हैं तो वो उन्होंने कुछ अर्सा पहले एक कोर्स किया है क्यामत की निशानियों के बारे में तो वो कोर्स करने के बाद वो अब वो क्लास वो खुद जो कोर्स वो कंडक्ट करा रही हैं उन्होंने कोशिश एक शुरू की है अल्लाह ताला उनकी इस कोशिश में उनका साथ साथी हो उनका उनके उनकी, उनकी रहनुमाई और उनकी मदद करे अल्लाह ताला उनकी जो ये कोशिश है वो उसका इजहार वो करेंगी इंशाल्लाह जी तो वो वो कोर्स जो है उसमें मतलब उन्होंने कहा था मुझे कि अगर कोई बहनें जो हैं उसमें अगर शिरकत करना चाहें क्योंकि वो सिर्फ ख़ुत के लिए वो कोर्स है तो अगर कोई बहने उसमें शामिल होना चाहें तो वो कर सकती हैं मौजू मैं इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूँ कि मौजू के अतबार से एक बहुत अहम मौजू है और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसमें जो ख़ास कर हमारे लिए और ख़ास कर हमारी आइंदा आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए बहुत अहम है कि क़्यामत जो है उसकी निशानियाँ जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है वो और ज्यादा वाजे होती जा रही हैं और दरजाली निज़ाम जो है उसके उसका जाल जो जा है और ज्यादा घना होता जा रहा है और ज्यादा वाजे भी होता जा रहा है जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है और हमारी आइंदा आने वाली जो नस्लें हैं उनके लिए चैलेंजेस हम हमारी नस्बत बहुत ज्यादा बड़े हैं और अफसोस के साथ कि हमारे आज के जो मामला चल रहे हैं मीडिया के और माशरती मामला जो हैं वो इंसान को मतलब दूर लेकर जाते जा रहे हैं खासकर मोमिन को मुसलमानों को अः उन अल्लाह के जो अहकाम हैं और जो हमारी जो इकदार है इस्लामी इकदार उनसे वो दूर हटाते जा रहे हैं तो इस जमन में अः कुछ बहुत सारी बातें इसमें हमें मिलेंगी जो जिनसे इस्ता हम कर सकते हैं बहुत सारी मतलब रहनमियाँ मिलेंगी जिसे हम ना सिर्फ अपनी बल्कि खास कर अपनी जो आइंदा नस्ल है उसकी तरबियत या उनकी कुछ इस तरह से उनकी रहनुमाई कर सकें कि हमारे बाद वो कुछ जहाँ तक मुमकिन हो ये दजाली फितने जो हैं उनसे उनके असर को उनको समझ सकें और उस उनके असर को ज़ायल करने की जितनी मुमकिन हो वो कोशिश करते करेंगे और यकीन हमारा जो जो माल जो हम पीछे छोड़ कर जाएंगे उसमें उसमें औलाद जो है वो सबसे ज्यादा अहम है क्योंकि उसके नेक अमाल जो है वही हमें बाद में नेक अजर भी देंगे और हमें हमारे लिए आसानी का भी बायस होंगी हमारी मौत के बाद तो जो सिस्टर्स जो उस कोर्स को ज्वाइन करना चाहेंगी मैं बाजी से कहूंगा कि वो अपने हमारा जो ग्रुप है उसमें वो उसका लिंक वगैरह या जो डिटेल है वो शेयर कर देंगी तो मैंने उनसे कहा था कि आप ख़ुद भी यहाँ पर बयान कर सकती हैं लेकिन उन्होंने कहा मुनासिब नहीं समझा तो बहरान वो इस ग्रुप में डिटेल जो है वो शेयर कर देंगी जो उसको ज्वाइन करना चाहेगा जो सिस्टर्स हमारी वो उसको ज़रूर जॉइन करें अल्लाह ताली हमारा हामी और नासिर हो और अल्लाह तला हमें सही फ़ेम अदा करे और ये दर्जाली फितने जल्ला तला हमें उससे महफूज रखे और आजकल जो बाकी जो मामला हैं अल्लाह ताला हमारे सब के लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए और अल्लाह ताला हमारे वालदान के लिए भी ज़रूर मफ़रत और रहमत इस दुनिया में भी और आखरत में भी नसीब फरमाए वमा बलागुल मामाबलामबी रब्बान तकबुलम कांत समीअलीम कांतवाबर सुबह नब्बी रबा यासीफलसिनमिन سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته